gave you the feel of that. Yeah, but then I was like, wow, I gave you this feeling. This is the feeling. I never have done that. Women empowerment all the way.
मगर ये शो सबसे मुश्किल था जी, मुश्किल था जी। बाकी शो में आप खाओ पियो बैठो आराम से, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा कर लो, फालतूगिरी कर लो, इसमें इसमें आप हर वक्त मौत के मुंह में थे। ओहो, और सच बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में पता नहीं था कि आइस रोड ट्रैकर है क्या, क्योंकि मैंने देखा नहीं था। मैंने सोचा आराम से मनाली से अभी लद्दाख घूम के आएंगे, आराम से वो करेंगे, मगर वहाँ जाके देखा कि मतलब कभी 15,000 फीट पे, कभी 16,000 फीट पे, कभी 17,000 फीट पे, और सांस आ नहीं रहा, मतलब पसीना सूखा नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि इससे टफ और इससे मुश्किल शो आज मैंने किया नहीं, बस रेसलिंग कर लो, चलो उसमें जान तो जा सकती है ना आपकी, बिल्कुल कम से कम हार जाओगे जीत जाओगे। बिल्कुल, इसमें तो हर रोज हम ये करते थे बात, क्या आज पहुँच जाएंगे या नहीं पहुँचेंगे, बहुत मुश्किल। Wonderful, wonderful. So, बातचीत तो हम अंदर करेंगे. First, can we have all three of you for the photo op? Yes, sir. Come closer. I'd also like to introduce Hansen, Swav and Dapper, Varun Sharma. Yes, sir. Look at please. Sir, look here. Yours presenting our three superstars. Yes, sir. Look at please. Right. Look at the right. Of history, India's deadliest. Center. India's deadliest roads. I request the three of you to please proceed towards the set. Thank you so much. Request members of the press to please make way, as we'll have some candid questions and interviews with our three superstars, Handsome and Dapper. And of course, we've got India's finest wrestlers and of course, a very, very renowned television face, Sangram Singh. So all right, as you know, they have taken up Mission Impossible, 1500 kilometers, more than 2 weeks of driving a truck. Wow. And of course, at temperatures at 0 degrees and minus. Firstly, let me start off with the beautiful Mandira Bedi. I want to ask you a question, Mandira. You've been absolutely killing it on social media, whether it's diving into, you know, the Indian Ocean or the ocean at your Maldives trip. Actually, मैं एक मॉम हूँ और इसीलिए मैंने ये शो किया क्योंकि मेरा जो बेटा है वो 5 साल का है, उसे ट्रक्स बहुत पसंद है, हर किस्म के व्हीकल्स उसे पसंद है, एंड जब मैंने उन्हें बताया कि मामा's been offered a show Machines to drive a truck, वो बहुत खुश हुआ। इनफैक्ट सबको बोल बताने लगा, my mom is driving a truck, how cool is that? तो शो मैंने उनके लिए किया, लेकिन जब मैं वहाँ पे थी, हर रोज़ जब हम अपनी जर्नी के लिए निकलते थे, मैं कहती थी हाँ मैंने ये शो मेरे बेटे के लिए किया, लेकिन मैं ज़िंदा भी रहना चाहती हूँ अपने बेटे के लिए। रियलिटी शोज़ तो बहुत होते हैं और रियलिटी शोज़ मैंने डेंजरस वाले भी किए हैं, जहाँ पे मतलब खतरा है, कहते हैं खतरों के खिलाड़ी ऐसे कुछ कहते हैं उसे, वहाँ पे हमेशा एक हार्नेस रहता है, वहाँ पे हमेशा एक आप अपने आप को थोड़ा बहुत हार्म कर सकते हैं, मतलब आप ब्रूज हो जा सकते हैं, थोड़ी बहुत चोट लग सकती है, पर उसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन इंडियाज़ डेडलीस्ट रोड्स पे कुछ भी हो सकता था, यू डो नॉट हैव एनी सेफ्टी, क्योंकि आप बहुत नैरो रोड्स पे हैं, आप एक ट्रक चला रहे हैं, आगे वाला जैसे चला रहा है यू हैव नो कंट्रोल ओवर दैट, आपकी गाड़ी को कुछ हो सकता है, रोड्स जैसे कि मैंने कहा बहुत नैरो थे, सो इट वॉज प्रॉब्ली द मोस्ट डेंजरस थिंग आई हैव एवर डन इन माई लाइफ। और मैं क्या कहूँ, हर रोज़ मैं प्रार्थना करती थी कि मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ, और हर शाम को मैं भगवान से थैंक यू कहती थी कि आपने मेरी जान बचाई, मैं ज़िंदा हूँ, थैंक यू वेरी मच। और ये रूटीन चलता गया फॉर आई एंटायर 2 वीक्स ऑन द रोड, बट इट वाज द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आई हैव नेवर डन अ शो लाइक दिस, इट डिड चेंज माय लाइफ, आई मीन आई डोंट इवन नो वेयर टू बिगिन, व्हाट टू टेल यू, बट इट वाज एन एक्सपीरियंस लाइक नो अदर। ये I don't even know how it'll translate on television, but it was the scariest thing I've ever done, the most wonderful thing I've ever done, and the work on television I am most proud of. Wonderful, yaar, taaliyan ho jaye. I'd also like to invite the VP of Bharat Benz, Mr. Sauminder Singh, to please come and join us with a huge round of applause. And of course, the VP and head of marketing for History TV 18, Ms. Sangeeta Iyer. Can you please have the two of you to please join us? Let's give them a huge round of applause, guys. Come on. Thanks, sir. Now we can.
entire experience था आपका और आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया है इसके बाद? देखिए जैसे मंदिरा जी ने बताया, अभी हम सब बात कर रहे थे कि टीवी पे ढेर सारे शो बनते हैं, जैसे मैंने नाचने गाने वाले शो किए हैं, काफ़ी और भी शो किए हैं, इवन सर्वाइवल जैसे काफ़ी शो किए हैं, मगर उस शो में आपकी जान नहीं जा सकती। आप रेसलिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, कम से कम आप हार जाओगे जीत जाओगे, मगर ये शो इतना टफ था, इतना मुश्किल था कि आप हर वक्त मौत के मुँह में हो। बस वो पीछे से आते क्रू वाले, हाँ शाबाश आप अच्छा कर रहे हो, वो गाड़ी एक साइड इधर से उधर हुई तो मतलब क्या अच्छा कर रहे हो बताओ। और इतनी गालियां मैंने जिंदगी में नहीं सुनी थी जितनी गालियां इस रोड पे सुन ली मैंने, क्योंकि हर पीछे वाला गाली देता क्योंकि साइड देते नहीं थे, क्योंकि इतना पतला रोड, उसको साइड देंगे तो हमारी गाड़ी चली जाएगी कहीं पे। तो मतलब ये वाकई बहुत टफ था। खाली टफ ये कि खाली ड्राइव करना टफ नहीं था उस रोड पे, उस रोड पे हम पैदल नहीं चल सकते क्योंकि इतनी ऊंचाई। ये कहते हैं कि जिंदगी में अपने आप को पुश करो, अच्छी बात है आगे जाओ, मगर ये नहीं पता था कि आइस रोड ट्रकर इतना मुश्किल है। ऐसे ही मजाक मजाक में फंस गए कि मनाली से लद्दाख जाएंगे, हरी भरी वादियाँ देखेंगे, घाटी देखेंगे और क्या नज़ारा होगा, क्या कुछ होगा। कसम से कमर का पसीना सूखा नहीं मतलब जो नज़र है ना वो सिर्फ रोड पे रहती थी, इधर उधर जाती नहीं थी क्योंकि यार पता नहीं आज पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो इससे मुश्किल शो मैंने अभी तक नहीं किया। एक तो आप वेदर से फाइट कर रहे हो, ऊपर से आप एक ट्रक चला रहे हो, ट्रक में भी 6,000 किलो, जैसे उसने बोला मैं 6 टन बोल रहा था, 7 टन बोल रहा था, मतलब 6 टन 60 टन आप सामान डाल रहे हो, फिर वो सामान जरूरतमंद को पहुंचा रहे हो, तो बहुत मुश्किल था। सच बता रहा हूं कि अगर आप सब चाहते कुछ अच्छा देखना, एडवेंचर देखना, आपने अब तक बहुत शो देखे हैं, ये देखना ये एक्चुअली एडवेंचर है, इससे ज़्यादा टफ कुछ नहीं है। मैंने फाइट भी की है, उसमें मैं डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, काफ़ी कुछ किया है, मगर ये सबसे डराने वाला था। बहुत मुश्किल भी बहुत था मगर बहुत खूबसूरत भी था, अच्छा था। क्या बात है संग्राम जी। ऑलराइट, हाय, फर्स्टली आई थिंक बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई हैव बीन फॉलोइंग आइस रोड ट्रकर्स, मैं पहले से देखता रहा था जो अब्रॉड की सीरीज है, एंड मैं को बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार शो था। और जब मुझे ऑफर हुआ था आई थॉट कि बड़ा मज़ा आएगा, बहुत एडवेंचरस होगा, लेकिन जितना मैंने सोचा था मुश्किल होगा, असलियत में जब वहाँ पे पहुँचे उससे ज़्यादा मुश्किल था। मतलब मेरी सोच उस टाइम में मुझे पता चला कि कितनी छोटी है, आई मीन जोक्स अबाउट। बहुत अच्छा था एंड आई थिंक ये जर्नी जो थी एडवेंचरस थी, बहुत मज़ेदार थी, बहुत मुश्किल थी, लेकिन इसके साथ साथ मैं एज अ पर्सन बहुत इवॉल्व हूँ, क्योंकि जब आप एक ट्रेन पे जाते हैं जहाँ पे आपके पास फ़ोन नहीं है, आप एक ट्रेन पे हैं जहाँ पे आपके पास वाईफाई नहीं है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, गर्म पानी नहीं है, और आप एक महीना उस ट्रेन पे रहते हैं, तो खुद ब खुद बहुत सी चीज़ें निकल के बाहर आती है। आप आपको पता चलता है कि आप अपने साथ कितना वक्त बिता सकते हैं, और मेरी मानिए हफ्ते के बाद आपको लोग चाहिए, आपको वो जो वर्चुअल वर्ल्ड में जिस तरह से हम रहते हैं, हम इतने एडिक्टेड हो गए हैं उस चीज़ से, वो भी आपको चाहिए। सो आई थिंक एज एन मेरी थिंकिंग इवॉल्व हुई है, मेरे डिसीजंस टेकिंग इवॉल्व हुए हैं, मी एज अ पर्सन आई इवॉल्व, एंड आई थिंक आई हैव सीन द मोस्ट ब्यूटिफुल नेचर अराउंड, आई हैव सीन द मोस्ट ब्यूटिफुल रोड एवर इन माई लाइफ। और अगर मैं अपने घर वालों को कहता है कि मुझे लद्दाख के एक ट्रिप पे जाना है अपने दोस्तों के साथ ट्रक चला के, वो कभी नहीं मानते। तो एक चीज़ मेरी लाइफ में से जो बहुत बड़ी थी वो टिक ऑफ हो गई है, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिस्ट्री टीवी एंड भारत बेंस फॉर मेकिंग अ शो लाइक दिस एंड फॉर मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू। थैंक यू वरुण। ऑलराइट, मैं यहाँ सिंह साहब से बात करना चाहूँगा, द वीपी ऑफ भारत बेंस। सर, सबसे पहले दिस जो इंडा ये जो जर्नी था, जो सफ़र था, भारत बेंस के ट्रक पर की गई थी, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, भारत बेंस की सबसे बढ़िया यूएसपी क्या रहेगी? हम बता सकते हैं, हम बता सकते हैं, हम बताएंगे, आपसे मैं पूछूंगा ही, बट कम ऑन, लेट्स हियर इट फ्रॉम सर हिमसेल्फ फर्स्ट। देखिए, हमारी पहला तो ट्रक का काम माल ढोना है और ट्रांसपोर्टर के लिए पैसा कमा के देना है, सो वो यूएसपी बिल्कुल ही पावरफुल है, ये पावर बिजनेस है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, फ्यूल इकोनॉमी, रिलायबिलिटी, पर इस सफ़र पे ड्राइवर कंफर्ट, ड्राइवर सेफ्टी एंड द रोबस्टनेस ऑफ द ट्रक ऑन द टफेस्ट ऑफ द रोड्स इज दे कुड ड्राइव कॉन्फिडेंटली, आई थिंक दैट इज व्हाट वो हम दर्शाना चाहते थे, मेरे हिसाब से वो हम दर्शा पाए, लेकिन 12 किलोमीटर में हम में से किसी के ट्रक को कुछ नहीं हुआ। And you know, we've seen so many occasions, जब हम चला रहे थे वहाँ ट्रक गिरा हुआ है, इधर ट्रक रुका हुआ है, पर हमारे ट्रक में इवन दो वी हैड अ सेफ्टी लाइक अ वैन फॉलोइंग अस, सॉरी, इवन दो वी हैड अ वैन फॉलोइंग अस एट ऑल टाइम्स, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि नन ऑफ अस हैड
any kind of problem with our truck. So the truck really supported us beautifully in our journey. Thank you very much. वैन तो चलो पीछे थी मगर कई बार गुस्सा आता था ना जब इरिटेट होते थे तो मैं पहले गियर की बजाय तीसरे गियर में चढ़ाता था उसको कि परेशान हो गए धीरे धीरे क्योंकि परेशान होते क्या कर सकते थे ना तो छोड़ के जा सकते ना उतर सकते मगर वाकई अच्छा था काफ़ी आपके ट्रक में ताकत थी और थैंक यू सो मच आज एक अनाउंस कर रहे हैं हमें तीन 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 गाड़ियाँ दे रहे हैं तीन ट्रक दे रहे हैं थैंक यू सो मच सर वंडरफुल धन्यवाद सर ऑल राइट और मैं बात करना चाहूंगा जो एक्सपीरियंस टैलेंट लाइक दिस से दैट दिस इज द बेस्ट शो दैट दे हैव एवर बीन ऑन हमारे लिए सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन वहीं पे आ जाती है एट द फर्स्ट पॉइंट सेकेंडली हिस्ट्री पे हमेशा हमने यही एंडेवर किया है कि कुछ नया दिखाए हमारी सारी लॉन्च कैंपेन भी उसी ब्रांड प्रॉमिस पे था कुछ नया देखो हिस्ट्री बनते देखो जब हमने लॉन्च किया एंड आई थिंक वी आर स्टेइंग ट्रू टू दैट प्रॉमिस टाइम एंड अगेन Whether it was OMG Ye Mera India and now with Ice Road Truckers India's Deadliest Roads, I think we are living that brand promise with every project of ours. So Ice Road Truckers, of course, bahut hi bada franchise hai globally. US mein it changed the fortune of history as a brand and we are hoping that audiences get to see the experience of a new format like this firsthand. So I'm very happy and very positive. Please watch this space for more. 9 p.m. on Friday, you will see these fantastic heroes do what they do. And finally, do what they normally don't. True. Finally, the journey would never be complete without the support of our esteemed sponsor, Bharat Benz. They have been great in showing this leap of faith in both the channel and the show. So thank you again. And I hope everybody loves the show. Thank you. Thank you so much, Sangeeta ji. मैं भी लगा डर आखिरी दिन में भी लगा अगर मुझे दोबारा जाना पड़ेगा तब भी मुझे डर लगेगा. It's just that I'll have 10 more days of experience. वो जो roads थे बहुत ही खतरनाक थे बहुत ही narrow थे. ऐसा कभी कभी लग रहा था कि हम पत्थरों के ढेर पर गाड़ी truck चला रहे हैं. तो डर में इतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं आई बस थोड़ा सा हमें एक्सपीरियंस मिला एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट एक्सपीरियंस एंड इवॉल्विंग की बात हो रही है आई वॉज थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरी डे. शुरू जब मैं करती थी सुबह मैं प्रार्थना करती थी कि मैं आज का दिन सर्वाइव कर पाऊँ और शाम को आई फील अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ ग्रेटिट्यूड दैट आई सर्वाइव दिस डे. तो If I was to go back on some scary roads again, driving a truck, मुझे उतना ही डर लगता. In fact, आज भी मुझे डर लग रहा था. मैंने कहा कि इतने दिनों से मैं ना इंडिया की सबसे छोटी गाड़ी चलाती हूँ आमतौर पर जब मैं बोलूँगी नाम नहीं बोलूँगी पर इंडिया की सबसे जो छोटी गाड़ी है वो मैं चलाती हूँ और अब अगस्त में हमने 1200 किलोमीटर ट्रक चलाया इंडिया की सबसे बड़ी गाड़ी चलाई और इंडिया की सबसे बड़ी गाड़ी एक्चुअली नहीं इंडिया की इससे भी बड़ी गाड़ी है. हमने भारत बेंज के प्लांट को विजिट किया और इससे भी बड़ी गाड़ियां हैं पर आज मुझे लगा कि मैं यहां से वहां तक चला पाऊंगी क्या मैं भूल तो नहीं गई. तो डर हमेशा रहता है. इट्स हाउ यू कॉन्कर योर फियर. हम ट्रक ड्राइवर्स को एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं. इनफैक्ट जो काम वो करते हैं जिस डेडलाइंस को वो मीट करते हैं जिस तरीके से कभी कभी नींद के बगैर सोए बगैर वो ट्रक चलाते हैं लोगों को एसेंशियल सप्लाइज डिलीवर करते हैं. आई हैव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ट्रक ड्राइवर्स आफ्टर दिस शो. एंड यू नो मैं ये ज़रूर कहूँगी जब मैं ट्रक चला रही थी तो सबसे ज़्यादा जो लोग थे जिन्होंने मुझे तंग किया वो गाड़ी चलाने वाले थे. इतना हॉन्क करते हैं इतना ट्रबल करते हैं छोटी गाड़ी वाले. अब जब मैं किसी ट्रक के पीछे फंसी होंगी आई एम जस्ट गोना गिव दैट ट्रक इनफ अमाउंट ऑफ टाइम फॉर मी टू यू नो गेट वे टू क्रॉस. मैं उन्हें तंग नहीं करूंगी दैट्स फॉर श्योर. आई वुड लाइक टू ऐड ऑन टू दिस वाज दैट अभी इनफैक्ट जब मैं भी पहले ट्रक जब मैंने नहीं चलाया था तो हम भी जब गाड़ियाँ चलाते हैं या बाइक टू व्हीलर चलाते हैं या कुछ भी व्हीकल चलाते हैं तो हमको एक साइकोलॉजिकली चीज़ लगती है ट्रक या बस इतनी बड़ी चीज़ है तो रुकी जाएगी तो हम कट मार के निकल जाते हैं या फिर हमको लगता है कि इतनी बड़ी चीज़ है तो ऑटोमेटिकली उसका फ़र्ज है रुकना. बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता. आई थिंक जितना वो इतना वेट के साथ पूरा मनूवर करना होता है और रोड जितने नैरो थे कि
Absolutely. And also, अभी I think इससे पहले मुझसे ना किसी बंदे ने सवाल पूछा था कि आपको क्या लगता है कि जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं हाईवेज पे हम देखते हैं इतना रैश चलाते हैं या फिर इतना तेज चलाते रहते हैं. But to be very honest, after driving a truck for so long, एक ट्रक को मनूवर करने के लिए, उसको स्लो करने के लिए, उसको कट मारने के लिए आपको 5 डिफरेंट मिरर्स में देखना पड़ता है, सारी जजमेंट लेनी पड़ती है. आपके पीछे 8-9 हज़ार किलो का सामान है, 8 टन 9 टन का सामान है, एकदम से सडन ब्रेक मारोगे वो सामान एकदम से आगे आ जाएगा. तो हमेशा जब भी कोई भी इंसिडेंट्स होते हैं वो गॉड फॉरबिड, वो उसमें अब मुझे समझ आया कि ट्रक वालों की हमेशा गलती नहीं होती, उनके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं. तो इसीलिए हर ट्रक ड्राइवर आई थिंक रैश नहीं चलाता, वो कई बार सिचुएशनल भी चीज़ें होती हैं. So yeah, but huge respect for all the truck drivers and for all the people who take the load from one place to the other, and especially on this terrain because it's really a very tough terrain to be on. और second thing देखो, उनकी 6-7 हज़ार सैलरी होती है, ऊपर से पुलिस वाले उन्हें परेशान करते हैं, हम उनके लिए गाली देते हैं, जो गाड़ी वालों को गाली देता है, इसके बावजूद अपनी फैमिली को छोड़ के हर वक्त उनको रोजी रोटी कमाने के लिए वहाँ पे रहते हैं. तो वाकई उनकी जिंदगी बहुत टफ है, और अगर एक दिन वो स्ट्राइक कर देना तो इंडिया रुक जाएगा, कंट्री रुक जाएगा, फ्रूट नहीं पहुंच पाएगा, वेजिटेबल नहीं पहुंच पाएगा, कितना क्या कुछ होगा. तो सच में जैसे आर्मी वाले वहाँ पे फाइट कर रहे हैं हीरोज हैं, तो ये भी एक्चुअली हीरोज हैं जो हमें हर रोज रोजमर्रा का सामान पहुंचाते हैं और हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं. तो प्लीज यार इनकी रिस्पेक्ट करो जितने ट्रक ड्राइवर हैं. होता था साथ में वो इतने परेशान करते थे, अरे ये पैर दबा दिया, रुक जाओ वो टर्न ले लिया, मैंने कहा चुपचाप बैठा रहे बहुत हो गया, वरना मैं तो जाऊँगा साथ में तू भी जाएगा. तो मतलब काफी मुश्किल था, फ्रस्ट्रेशन तो होता है. सो आई मीन कभी कभी गुस्से में मुंह से पता नहीं गाली निकली या क्या निकली, पर कुछ तो निकला, आई डोंट नो, फ्रस्ट्रेशन में होता है, सो इट्स फाइन. और गाली मैंने भी बहुत खाई. इनफैक्ट जब मैं ट्रक चलाती थी और अगर किसी ने कुछ समय के बाद मुझे ओवरटेक किया तो ऐसे खुन्नस से मुझे देखते थे. इनफैक्ट मैं कभी नहीं भूलूंगी, पैंगोंग से लेकर जब हम ले वापस आ रहे थे, इतने लोगों ने मुझे गाली दी उस वक्त कि अब मेरा वो जो चमड़ा है ना बहुत मोटा हो गया, आई कैन टेक इट, आई एम वेरी थिक स्किन नाउ, आई कैन टोटली टेक एनीथिंग. थैंक यू. तो गाड़ी बॉर्डर वाकई विकास से बहुत कम हुआ है, पहले बहुत डरते थे, अब तो छोटी मोटी रोड लगती नहीं, कुछ है या नहीं है, तो ऐसे ही जाते हैं. छोटी गाड़ी लगता नहीं कुछ चला रहे हैं, जब से ट्रक चला गया है ना तो कुछ लगता नहीं है, सामने हमने वैसे कट मारते कि पता नहीं, मतलब 2 घंटे रास्ता 1 घंटे में तय करते हैं. तो वाकई काफी डर कम हुआ है. थैंक यू. ये लास्ट तो यूएसपी फोटो भी क्या. एवरीवन लुक हियर, ऑल ऑफ यू आर सेंटर लुक प्लीज. थैंक यू. बाय. हम नीचे कर रखा है यार, कहां देखें सर. 3 ऑफ यू एंगल पे मैम. हियर. यस. थैंक यू. एक मिनट. IRT आइस रोड ट्रकर डेडली सो. वाकई बहुत मुश्किल से होता है यार, कि मतलब ना कि नॉर्मल जाना, ऐसे रास्तों पे जहाँ पैदल नहीं चल सकते वहाँ पे ट्रक चलाना, और वो भी सामान के साथ. तो मतलब इससे मुश्किल शो लगाओ, टास्क लगाओ, कुछ लगाओ, तो मैंने अपनी लाइफ में पहले किया नहीं था. वाकई बहुत मुश्किल था. मैं यहाँ पे मुंबई में गाड़ी नहीं चलाती, बहुत कम चलाती हूँ. 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर उधर, सबसे छोटी गाड़ी जो हमारे घर पे है वो मैं चलाती हूँ. उसके बाद मैं एक ट्रक चला रही हूँ इस शो में 1200 किलोमीटर के लिए. बहुत ट्रेनिंग करना पड़ा, और नो अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग वॉज इनफ फॉर द एक्चुअल एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने ट्रक ड्राइविंग लेसन्स किए और चेन्नई में इस ट्रक के साथ थोड़े और लेसन्स किए, लेकिन जब हम एक्चुअल रोड्स पर पहुँचे अनुभव बिल्कुल अलग था, क्योंकि बहुत ही नैरो रोड्स थे. एकदम एक तरफ खाई थी, एक तरफ माउंटेन था, जहाँ पे कभी भी कहीं भी एक बड़ा पत्थर गिर सकता है रोड पर. सो इट वॉज वेरी डेंजरस, वेरी स्कैरी, बट ऑल्सो वेरी वेरी सैटिस्फाइंग. एक टाइम आपका ट्रक क्रॉस गया और थोड़ी देर बाद माउंटेन गिरा है. जी जी. डेंजर जोन में आप ड्राइव कर रहे थे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बहुत मुश्किल एक्सपीरियंस था. इनफैक्ट जैसे कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हर सुबह मैं अपनी जान के लिए मैं प्रार्थना करती थी कि आई होप आई सर्वाइव द डे, और हर शाम को मैं बहुत शुक्रगुजार थी कि मैंने सर्वाइव किया, आई रीच्ड इन वन पीस, मुझे कुछ नहीं हुआ, गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, और
हम सब सही सलामत एक मतलब पीस में पहुंच गए हैं. सो बहुत मुश्किल था, बहुत अलग था. और टीवी शोज़ में आमतौर हमेशा कुछ ना कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड होता है. यहाँ पे इतने सारे वेरिएबल्स थे कि रोड्स मुश्किल थे. आप ट्रक चला रहे हैं जहाँ आपको ट्रक ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है, आगे से गाड़ियाँ आ रही हैं जो अपने स्पीड में आ रहे हैं. कभी कभी किसी को रिवर्स करना पड़ा ऐसे नैरो रोड पर. तो अलग अलग बहुत ही डेंजरस सिचुएशंस थे. एंड आप शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा. बाकी जैसे मंदिरा जी ने बताया कि ये हमारी ज़िंदगी का मतलब वन ऑफ द मोस्ट टफ अनुभव था. और ऐसे रास्ते रास्तों पर आप पैदल नहीं जा सकते, बाइक लेके नहीं जा सकते. वहाँ पे आप ट्रक चला रहे हैं इतने सामान लेके, तो मतलब क्या बताएं. अब आप खुद देखो, आप थोड़ी देर मुंबई में गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी कहीं ना कहीं टच हो जाती है, ठोक देते हैं. तो वहाँ पे आप एक इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हैं और ये मनाली से इतने रास्तों पर लेके जा रहे हैं, लद्दाख से पेंगोंग से फिर लद्दाख, टूटूक इंडिया लास्ट विलेज. तो मतलब बाकी आपने टीवी शो देखे हैं जहाँ पे सांस बहु टाइप है, कोई कई ऐसे भी जहाँ ऑक्सीजन के भी कमी होती है. कई कई रोड नहीं, मोस्टली रोड ऐसे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन आगे बराबर है, जहाँ पे ऑक्सीजन आगे बराबर है कई टेम्परेचर माइनस डिग्री है. 14,000 से ऊपर ही हम चलते गए 14,000 है, 15,000 पे गए हम, 17,000 18,000 पे गए, 18,000 तक 18,430 समथिंग पे गए. तो आप खुद बताओ कितना मुश्किल था. बाकी टीवी शो देखे हैं, टास्क रहता था कि इनको आगे टास्क था वो ट्रक चलाना और सही सामान वहाँ पे सामान पहुँचाना और सकुशल वापस आना. इससे बड़ा टास्क कुछ नहीं था. इतना बड़ा डेंजर जोन में ड्राइव करना बहुत बड़ा एक डिफिकल्ट काम है. तो इससे पहले आपने कोई एक्सपर्ट की राय ली थी या कुछ राय ली थी? भाई साहब गलती से फंस गए, वहां जाके पता चला कि कितना मुश्किल था, इतना टफ था, अब फंस गए. नहीं, पर हर वक्त हमारे साइड पे एक एक्सपीरियंस ड्राइवर था. तो कहीं भी अगर ऐसा कोई सिचुएशन निकल आया जहाँ पे जान को खतरा है तो हम ड्राइवर को दे सकते थे टू गेट अस आउट ऑफ दैट सिचुएशन. क्योंकि हम सब के साथ एक एक ड्राइवर था वो हैड एक्सपीरियंस ऑन द रोड. वो ड्राइवर ऐसा था कि हर वक्त बताता था यहाँ पे 6 आदमी मरे हैं, यहाँ पे 5 मरे और यहाँ पे इतना टफ है. ये सुनना पसंद नहीं आया हमें. कई बार ऐसा लगा, कई बार ऐसे ये थॉट्स आते रहे. कई बार हमने एक्सप्रेस भी किया कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, व्हाट द हेल एम आई डूइंग हियर, व्हाई एम आई हियर. पर हर शाम को अच्छा लगा कि हम पहुंच गए, ठीक ठाक पहुंच गए, सब ठीक हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ. हम यही बात करते थे कि आज पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, मेरे को पता नहीं, आज पहुंच जाए कल का पता नहीं. तो बहुत मुश्किल था. जैसे बाकी शो में हैं, बाकी शो में तो आप जानते हैं कि नॉर्मली रहता है सब कुछ, प्री प्लान रहता है. भाई इसमें प्री प्लान नहीं था. हर कोई कहता है ना, जब कोई शो प्रमोट करते हैं कहते हैं कि हमारा शो डिफरेंट है. मैं ये कहूँगी हमारा शो बहुत मुश्किल था. It was the hardest thing I've ever done. ये नहीं कहेंगे मुश्किल था, असंभव था. आप देखना शो शो को देखना, वो पता चलेगा कि शो कितना मुश्किल था. जो हमारे इंडिया से आए ट्रांसपोर्ट ट्रकर्स, उनके बारे में कुछ मैसेज. यार अभी हमने मैसेज दिया कि उनके लिए काफ़ी एक दिल में बहुत रिस्पेक्ट है कि वो इतनी कम सैलरी में सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं. हम उनको ऊपर से अब्यूज़ भी करते हैं, रास्ता नहीं देते, तो हम परेशान भी होते हैं, इरिटेट भी होते हैं. तो उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है कि अब जो भी कोई ट्रक दिखता है तो हम घूम जाते हैं. बड़े बड़े खतरनाक डेडलाइन पे काम करते हैं, कभी कभी सोए बगैर ट्रक चलाते हैं क्योंकि उन्हें सामान पहुंचाना है टाइम पर. सो हैट्स ऑफ टू देम. आगे से जब भी मैं किसी ट्रक के पीछे अगर फंसी हूँ तो मैंने तंग बिल्कुल नहीं करूँगी, हॉर्न बिल्कुल नहीं बजाऊँगी. क्योंकि मैंने उल्टी तरफ से ऐसे एक्सपीरियंस किया, सबसे ज़्यादा जो जिन लोगों ने मुझे तंग किया वो ट्रक ड्राइवर्स नहीं थे, वो लोकल गाड़ी वाले थे. सेकंड थिंग उनकी बहुत जल्दी में रहते हैं, बहुत सारी हर रोज डेंजर में थे. और दूसरा क्या कि उनकी सैलरी काट लेते हैं ड्राइवर की, अगर वो टाइम पे सामान नहीं पहुंचा तो थोड़ी सैलरी मिलती उसमें काट लेते हैं. नाम का खान, नाम का हो. थैंक यू सो मच. कई मूवी में हंसते हंसाते नजर आए, बट नया लुक और नया लुक डेंजर जो डेंजर
अलग सा सो क्या कर रहे हैं? नहीं, ऑफ कोर्स इससे पहले जो भी मैंने किरदार करे, जो भी फिल्में करी, बड़ी हैप्पी और इजी और फन और लविंग फिल्म थी. और ये एक ऐसा शो है जिसमें लविंग, अगर आपको प्यार करना है आप कर लो, लेकिन आप डरोगे ज़्यादा, आप एडवेंचरस चीज़ें ज़्यादा देखोगे. तो मेरा मन था हायर करने का, क्योंकि मेरा एक ही चीज़ था कि अगर मैं शो ना करता तो मैं ज़िंदगी में, मुझे नहीं लगता मेरे घर वाले मुझे ट्रक चलाने के लिए भेजते लद्दाख कभी. वो गाड़ी की ट्रिप पर भेज देते, फ्लाइट से भेज देते, बाइक से भेज देते, लेकिन ट्रक में कभी ना भेजते. तो आई थिंक एक जब ये ऑफर भी हुआ मुझे, तो मुझे लगा बड़ा चैलेंजिंग है, बड़ा एडवेंचरस है, बड़ा मज़ेदार है और खूब मज़ा आएगा. लेकिन मेरे को पता था कि डर लगेगा, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतना ज़्यादा डर लगेगा. और जितना मुश्किल था उससे 100 गुना ज़्यादा मुश्किल एक्चुअली में था. तो वो परसेप्शन थोड़ा चेंज हो वापस आके. लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं कहीं पे भी ज़िंदगी में कहीं पे भी कोई भी व्हीकल चला के, जो कि ट्रक से बड़ा ना हो आम, वो चला के मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ. बहुत ज़्यादा मुश्किल था यार, मैं ऐसे ही बोलूँ कि बिल्कुल मुश्किल नहीं था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था. मुझे आप ऐसे एक टेरेन पे हैं जहाँ पे सड़क ही नहीं है, कच्ची सड़कें हैं, और अगर बारिश होगी तो वो पानी, जो मिट्टी है वो पूरी चिकनी मिट्टी बन जाएगी, वो पहाड़ एकदम स्लाइड होकर नीचे आ जाएगा. धुंध होगी तो आपको पता नहीं आगे मोड़ है कि खाई है, और साथ में ट्रैफिक है. एक अगर आप एक साइड से जा रहे हो, दूसरी साइड से कुछ आ गया, तो आपको नहीं पता आप कैसे वहाँ से निकलोगे. तो आई थिंक वो एक ये रूट ही पूरे ऐसे जहाँ पे आप कुछ प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, जहाँ पे फ़ोन भी नहीं है. अगर आपकी कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो आसपास सिर्फ लोग हैं जो कि रात को या शाम को बिल्कुल नहीं आते. तो एक एकदम आइसोलेटेड सेक्लूडेड जगह पे आप जा रहे हो, जहाँ पे आपकी जान आप ही के हाथ में है, और कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स ख़राब हो जाए ऊपर नीचे तो वो आपके हाथ में भी नहीं रहेगी. वहाँ ऑफकोर्स मुश्किल था, बिकॉज टेम्परेचर्स माइनस में चले जाते थे, एंड ऑक्सीजन की कमी. मुझे पर्सनली एक खारदुंगला करके एक पास है जो कि दुनिया की सबसे हाईएस्ट मोटरेबल सड़क है. तो वहाँ पे जब हम जा रहे थे तो उधर वो 18,390 फीट की आई थिंक उसकी ऊंचाई है. और जब वहाँ पे था मैं, तो एक बार ही हुआ था कि मैं उस वहाँ पे उतरा और सिर्फ चल रहा था, सिर्फ फील लेने के लिए कि कितना मज़ेदार होता है. तो जब मैं चला तो मैं पैरों को सिग्नल दे रहा था कि तेज़ चलो, लेकिन जो ऑक्सीजन था वो दिमाग तक इतना पहुँच नहीं पा रहा था. तो मैं एकदम धीरे धीरे चल रहा था और अपने मैं बॉडी को सिग्नल दे रहा था कि तेज़ चलो. तो उस टाइम में मुझे सबसे ज़्यादा डर लगा, मुझे लगा कि मेरा सर घूम रहा है, मुझे नौजिया हो रहा है, और मेरी बॉडी मेरा कहना ही नहीं मान रही है, जो मैं कह रहा हूँ वो कर नहीं पा रही है. तो उस टाइम में मुझे लगा कि यार ये क्या हो रहा है. और वहाँ पे फिर से ऑक्सीजन मास्क मुझे लगे, मुझे गाड़ी में बिठा के एकदम निचली हाइट पे लेके आना पड़ा. तो वो ऐसे चैलेंजेस काफ़ी बार ही आते थे, सर बहुत घूमता था, बट फाइनली ज़िंदा आ गए वापस बॉम्बे में, और अब फ्राइडे से शो आ रहा है, तो आई थिंक खुशी है उस चीज़ की. मैंने किसी से राय नहीं ली थी, क्योंकि अगर मैं राय लेता तो क्या पता मुझे लोग मना कर देते. लेकिन मेरा मन था, और मैंने बस घर पे बताया था कि मैं लद्दाख में ऐसे एक शो है जिसमें मुझे ट्रक चलाना है, और लद्दाख है बहुत खूबसूरत जगह है तो मुझे जाने दो. और मेरे परिवार में से अभी तक कोई लद्दाख गया नहीं था, तो उनको पता नहीं था कितना मुश्किल था वो. लेकिन अब जब ये शो देखेंगे तो मुझे लगता है कि मुझे लद्दाख या मुझे लोनावला तक भी भेजने में उनको थोड़ा डर ना लगे. मुझे एक्सपीरियंस ये मिला, मुझे बिना फ़ोन के रहने को पता चला कैसे लगता है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना गर्म पानी के, बिना बत्ती के, बिना ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ होते हैं उसके बिना रहने में कितना मज़ा आता है, कितना मज़ा नहीं आता है, इस चीज़ का मुझे पता चल गया इस शो पर. उनके लिए बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो काम करते हैं वो बहुत ही दिलदार काम है, आप जो काम करते हैं बहुत ही मुश्किल काम है. आपके परिवार जो आपका साथ देते हैं वो उनके वो मेरा सलाम, एंड पूरी जो रिस्पेक्ट फैक्टर है आप जितने भी हिंदुस्तान के ट्रक ड्राइवर हैं उनके लिए, मेरे लिए, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में वो सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. और अगर वो लोग रूठ जाएँ किसी बात से तो हिंदुस्तान रुक जाएगा. थैंक यू. मतलब 6 टन 60 टन आप सामान डाल रहे हो, फिर वो सामान ज़रूरतमंद को पहुंचा रहे हो, तो बहुत मुश्किल था. सच बता रहा हूँ कि अगर आप सब चाहते कुछ अच्छा देखना, एडवेंचर देखना, आपने अब तक बहुत शो देखे हैं, ये देखना ये एक्चुअली एडवेंचर है, इससे ज़्यादा टफ कुछ नहीं है. मैंने फाइट भी की है, उसमें भी मैं डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, काफ़ी कुछ किया है, मगर ये सबसे डराने वाला था. बहुत मुश्किल अनुभव था, मगर बहुत खूबसूरत भी था, अच्छा था.
क्या बात है संग्राम जी. ऑलराइट, हाय. फर्स्टली आई थिंक बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई हैव बीन फॉलोइंग आईएसओ ट्रकर्स, मैं पहले से देखता रहा था जो अब्रॉड की सीरीज है, एंड मैं को बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार शो था. और जब मुझे ऑफर हुआ था आई थॉट कि बड़ा मज़ा आएगा, बहुत एडवेंचरस होगा, लेकिन जितना मैंने सोचा था मुश्किल होगा, असलियत में जब वहाँ पे पहुँचे उससे ज़्यादा मुश्किल था. मतलब मेरी सोच उस टाइम में मुझे पता चला कि कितनी छोटी है. आई मीन बट जोक्स अपार्ट, बहुत अच्छा था. एंड आई थिंक ये जर्नी जो थी एडवेंचरस थी, बहुत मज़ेदार थी, बहुत मुश्किल थी, लेकिन इसके साथ साथ मैं एज अ पर्सन बहुत इवॉल्व हूँ. क्योंकि जब आप एक ट्रेन पर जाते हैं जहाँ पर आपके पास फ़ोन नहीं है, आप एक ट्रेन पर हैं जहाँ पर आपके पास वाईफाई नहीं है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, गर्म पानी नहीं है, और आप एक महीना उस ट्रेन पर रहते हैं, तो खुद ब खुद बहुत सी चीज़ें निकल के बाहर आती हैं. आपको पता चलता है कि आप अपने साथ कितना वक्त बिता सकते हैं. और मेरी मानिए, हफ्ते के बाद आपको लोग चाहिए, आपको वो जो वर्चुअल वर्ल्ड में जिस तरह से हम रहते हैं, हम इतने एडिक्टेड हो गए हैं उस चीज़ से, वो भी आपको चाहिए. सो आई थिंक एज एन मेरी थिंकिंग इवॉल्व हुई है, मेरे डिसीजन टेकिंग इवॉल्व हुए हैं, मी एज अ पर्सन आई इवॉल्व, एंड आई थिंक आई हैव सीन द मोस्ट ब्यूटिफुल नेचर अराउंड, आई हैव सीन द मोस्ट ब्यूटिफुल रोड एवर इन माई लाइफ. और अगर मैं अपने घर वालों को कहता कि मुझे लद्दाख एक ट्रिप पे जाना है अपने दोस्तों के साथ ट्रक चला के, वो कभी नहीं मानते. तो एक चीज़ मेरी लाइफ में से जो बहुत बड़ी थी वो टिक ऑफ हो गई है. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिस्ट्री टीवी एंड भारत बेंस फॉर मेकिंग अ शो लाइक दिस एंड फॉर मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ इट. थैंक यू. थैंक यू वरुण. ऑलराइट, मैं यहाँ सिंह साहब से बात करना चाहूँगा, द वीपी ऑफ भारत बेंस. सर, सबसे पहले दिस जो एंटायर जो जर्नी था, जो सफ़र था, भारत बेंस के ट्रक पर की गई थी, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, भारत बेंस की सबसे बढ़िया यूएसपी क्या रहेगी? हम बता सकते हैं, हम बता सकते हैं, आपसे मैं पूछूंगा ही, बट कम ऑन, लेट्स हियर इट फ्रॉम सर हिमसेल्फ फर्स्ट. देखिए, हमारी पहला तो ट्रक का काम माल ढोना है और ट्रांसपोर्टर के लिए पैसा कमा के देना है, सो वो यूएसपी बिल्कुल ही पावरफुल है. ये पावर बिजनेस है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, फ्यूल इकोनॉमी, रिलायबिलिटी, पर इस सफ़र पे ड्राइवर कंफर्ट, ड्राइवर सेफ्टी एंड द रोबस्टनेस ऑफ द ट्रक ऑन द टफेस्ट ऑफ द रोड्स इज दे कुड ड्राइव कॉन्फिडेंटली. आई थिंक दैट इज व्हाट वो हम दर्शाना चाहते थे. मेरे हिसाब से वो हम दर्शा पाए, लेकिन किलोमीटर्स में हम में से किसी के ट्रक को कुछ नहीं हुआ. And you know, we've seen so many occasions, जब हम चला रहे थे वहाँ ट्रक गिरा हुआ है, इधर ट्रक रुका हुआ है, पर हमारे ट्रक में इवन दो वी हैड अ सेफ्टी लाइक अ वैन फॉलोइंग अस, सॉरी, इवन दो वी हैड अ वैन फॉलोइंग अस एट ऑल टाइम्स, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि नन ऑफ अस हैड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद आवर ट्रक. सो द ट्रक रियली सपोर्टेड अस ब्यूटिफुली इन आवर जर्नी. थैंक यू वेरी मच. वैन तो चलो पीछे थी, मगर कई बार गुस्सा आता था ना जब इरिटेट होते थे, तो मैं पहले गियर की बजाय तीसरे गियर में चढ़ाता था उसको कि परेशान हो गए धीरे धीरे, क्योंकि परेशान होते क्या कर सकते थे ना, तो छोड़ के जा सकते ना उतर सकते, मगर वाकई अच्छा था. काफ़ी आपके ट्रक में ताकत थी, और थैंक यू सो मच आज एक अनाउंस कर रहे हैं, हमें तीन गाड़ियाँ दे रहे हैं, तीन ट्रक दे रहे हैं. थैंक यू सो मच सर. वंडरफुल, धन्यवाद सर. ऑलराइट, और मैं बात करना चाहूंगा जो एक्सपीरियंस टैलेंट लाइक दिस से दैट दिस इज द बेस्ट शो दैट दे हैव एवर बीन ऑन. हमारे लिए सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन वहीं पे आ जाती है एट द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंडली, हिस्ट्री पे हमेशा हमने यही एंडेवर किया है कि कुछ नया दिखाए. हमारी सारी लॉन्च कैंपेन भी उसी ब्रांड प्रॉमिस पे था, कुछ नया देखो, हिस्ट्री बनते देखो, जब हमने लॉन्च किया. एंड आई थिंक वी आर स्टेइंग ट्रू टू दैट प्रॉमिस टाइम एंड अगेन. Whether it was OMG Ye Mera India and now with ISRO Truckers India's Deadliest Roads, I think we are living that brand promise with every project of ours. ISRO Truckers, of course, bahut hi bada franchise hai globally. US mein it changed the fortune of history as a brand, and we are hoping that audiences get to see the experience of a new format like this firsthand. So I'm very happy and very positive. Please watch this space for more. 9 PM on Friday, you will see these fantastic heroes do what they do. And finally, do what they normally don't. True. Finally, the journey would never be complete without the support of our esteemed sponsor, Bharat Benz. They have been great in showing this leap of faith
in both the channel and the show. So thank you again, and I hope everybody loves the show. Thank you. Thank you so much, Sangeeta ji. में भी लगा डर, आखिरी दिन में भी लगा, अगर मुझे दोबारा जाना पड़ेगा तब भी मुझे डर लगेगा. इट्स जस्ट दैट आई हैव 10 मोर डेज ऑफ एक्सपीरियंस. वो जो रोड्स थे बहुत ही ख़तरनाक थे, बहुत ही नैरो थे. ऐसा कभी कभी लग रहा था कि हम पत्थरों के ढेर पर गाड़ी वो भी सामान के साथ. तो मतलब इससे मुश्किल शो लगाओ, टास्क लगाओ, कुछ लगाओ तो मैंने अपनी लाइफ में पहले किया नहीं था. वाकई बहुत मुश्किल था. मैं यहाँ पे मुंबई में गाड़ी नहीं चलाती, बहुत कम चलाती हूँ. 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर उधर. सबसे छोटी गाड़ी जो हमारे घर पे है वो मैं चलाती हूँ. उसके बाद मैं एक ट्रक चला रही हूँ इस शो में 1200 किलोमीटर के लिए. बहुत ट्रेनिंग करना पड़ा और नो अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग वॉज इनफ फॉर द एक्चुअल एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने ट्रक ड्राइविंग लेसन्स किए और चेन्नई में इस ट्रक के साथ थोड़े और लेसन्स किए, लेकिन जब हम एक्चुअल रोड्स पर पहुँचे अनुभव बिल्कुल अलग था, क्योंकि बहुत ही नैरो रोड्स थे. एकदम एक तरफ खाई थी, एक तरफ माउंटेन था जहाँ पे कभी भी कहीं भी एक बड़ा पत्थर गिर सकता है रोड पर. सो इट वॉज वेरी डेंजरस, वेरी स्कैरी, बट ऑल्सो वेरी वेरी सैटिस्फाइंग. एक टाइम आपका ट्रक क्रॉस गया और थोड़ी देर बाद माउंटेन गिरा है. जी जी. डेंजर जोन में आप ड्राइव कर रहे थे तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बहुत मुश्किल एक्सपीरियंस था. इनफैक्ट जैसे कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हर सुबह मैं अपनी जान के लिए मैं प्रार्थना करती थी कि आई होप आई सर्वाइव द डे, और हर शाम को मैं बहुत शुक्रगुजार थी कि मैंने सर्वाइव किया, रीच्ड इन वन पीस, मुझे कुछ नहीं हुआ, गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, और हम सब सही सलामत एक मतलब पीस में पहुंच गए हैं. सो बहुत मुश्किल था, बहुत अलग था. और टीवी शोज़ में आमतौर हमेशा कुछ ना कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड होता है. यहाँ पे इतने सारे वेरिएबल्स थे कि रोड्स मुश्किल थे, आप ट्रक चला रहे हैं जहाँ आपको ट्रक ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है, आगे से गाड़ियाँ आ रही हैं जो अपने स्पीड में आ रहे हैं, कभी कभी किसी को रिवर्स करना पड़ा ऐसे नैरो रोड पर. तो अलग अलग बहुत ही डेंजरस सिचुएशंस थे. एंड आप शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा. बाकी जैसे मंदिरा जी ने बताया कि ये हमारी ज़िंदगी का मतलब वन ऑफ द मोस्ट टफ अनुभव था. और ऐसे रास्ते रास्तों पर आप पैदल नहीं जा सकते, बाइक लेके नहीं जा सकते, वहाँ पे आप ट्रक चला रहे हैं इतने सामान लेके, तो मतलब क्या बताएं. अब आप खुद देखो, आप थोड़ी देर मुंबई में गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी कहीं ना कहीं टच हो जाती है, ठोक देते हैं. तो वहाँ पे आप एक इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हैं और ये मनाली से इतने रास्तों पर लेके जा रहे हैं, लद्दाख से पेंगोंग से फिर लद्दाख, टूटूक, इंडिया लास्ट विलेज. तो मतलब बाकी आपने टीवी शो देखे हैं जहाँ पे सांस बहु टाइप है, कोई कई 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 रोड नहीं, मोस्टली रोड ऐसे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन ना के बराबर है, जहाँ पे ऑक्सीजन ना के बराबर है, कई टेम्परेचर -डिग्री है. कि 14,000 से ऊपर ही हम चलते गए 14,000 है, 15,000 पे गए हम, 17,000 18,000 पे गए, 18,000 तक भी 18,430 समथिंग पे गए. तो आप खुद बताओ कितना मुश्किल था. बाकी टीवी शो देखे हैं, टास्क रहता था कि इनको आगे, टास्क था वो ट्रक चलाना और सही सामान वहाँ पे सामान पहुँचाना और सकुशल वापिस आना, इससे बड़ा टास्क कुछ नहीं था. हमारे साइड पे एक एक्सपीरियंस ड्राइवर था, तो कहीं भी अगर ऐसा कोई सिचुएशन निकल आया जहाँ पे जान को खतरा है तो हम ड्राइवर को दे सकते थे टू गेट अस आउट ऑफ दैट सिचुएशन, क्योंकि हम सब के साथ एक एक ड्राइवर था वो हैड एक्सपीरियंस ऑन द रोड. वो ड्राइवर ऐसा था कि हर वक्त बताता था यहाँ पे 6 आदमी मरे हैं, यहाँ पे 5 मरे और यहाँ पे इतना टफ है. ये सुनना पसंद नहीं आया हमें. कई बार ऐसा लगा, कई बार ऐसे ये थॉट्स आते रहे, कई बार हमने एक्सप्रेस भी किया कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, व्हाट द हेल एम आई डूइंग हियर, व्हाई एम आई हियर. पर हर शाम को अच्छा लगा कि हम पहुंच गए, ठीक ठाक पहुंच गए, सब ठीक हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ. हम यही बात करते थे कि आज पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, नहीं का पता नहीं, आज पहुंच जाए कल का पता नहीं. तो बहुत मुश्किल था. जैसे बाकी शो में हैं, बाकी शो में तो आप जानते हैं कि नॉर्मली रहता है सब कुछ,
प्रीप्लान्ड रहता है भाई, इसमें प्रीप्लान्ड नहीं था। हर कोई कहता है ना, जब कोई शो प्रमोट करते हैं कहते हैं कि हमारा शो डिफरेंट है, हमारा शो डिफरेंट है। मैं ये कहूँगी हमारा शो बहुत मुश्किल था। इट वॉज द हार्डेस्ट थिंग आई एवर डन एवर। कहेंगे मुश्किल था, असंभव था। आप देखना शो शो को देखना, वो पता चलेगा कि शो कितना मुश्किल था। जो मैंने इंडिया से ट्रकर्स के बारे में कुछ मैसेज, यार अभी हमने मैसेज दिया कि उनके लिए काफ़ी एक दिल में बहुत रिस्पेक्ट है कि वो इतनी कम सैलरी में सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं, उनको ऊपर से अब्यूज़ भी करते हैं, रास्ता नहीं देते, तो हम परेशान भी होते हैं, इरिटेट भी होते हैं। तो उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है कि अब जो भी कोई ट्रक दिखता है तो हम रुक जाते हैं। बड़े बड़े खतरनाक डेडलाइन पे काम करते हैं, कभी कभी सोए बगैर ट्रक चलाते हैं क्योंकि उन्हें सामान पहुंचाना है टाइम पर। सो हैट्स ऑफ टू देम। आगे से जब भी मैं किसी ट्रक के पीछे अगर फंसी हूँ तो मैंने तंग बिल्कुल नहीं करूँगी, हॉर्न बिल्कुल नहीं बजाऊँगी, क्योंकि मैंने उल्टी तरफ से ऐसे एक्सपीरियंस किया। सबसे ज़्यादा जो जिन लोगों ने मुझे तंग किया वो ट्रक ड्राइवर्स नहीं थे, वो लोकल गाड़ी वाले थे। सेकंड थिंग उनकी उनकी बहुत जल्दी में रहते हैं, बहुत सारी हर रोज डेंजर में, रोज डेंजर में थे। और दूसरा क्या कि उनकी सैलरी काट लेते हैं ड्राइवर की, अगर वो टाइम पे सामान नहीं पहुंचाते थोड़ी सैलरी मिलती उसमें काट लेते हैं। नाम का खाना, नाम का वो। थैंक यू सो मच। इसके पहले ट्रक चला रहे तो डर में इतनी ज्यादा तब्दीली नहीं आई, बस थोड़ा सा हमें एक्सपीरियंस मिला एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट एक्सपीरियंस। एंड इवॉल्विंग की बात हो रही है, आई वॉज थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरी डे। शुरू जब मैं करती थी सुबह, मैं प्रार्थना करती थी कि मैं आज का दिन सर्वाइव कर पाऊँ, और शाम को आई फील अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ ग्रेटिट्यूड दैट आई सर्वाइव दिस डे। तो इफ आई वॉज टू गो बैक ऑन सम स्कैरी रोड्स अगेन ड्राइविंग अ ट्रक, मुझे उतना ही डर लगता। इनफैक्ट आज भी मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा कि इतने दिनों से मैं ना इंडिया की सबसे छोटी गाड़ी चलाती हूँ आमतौर पे, जब मैं बोलूँगी, नाम नहीं बोलूँगी, पर इंडिया की सबसे जो छोटी गाड़ी है वो मैं चलाती हूँ। और अब अगस्त में हमने 1200 किलोमीटर ट्रक चलाया, इंडिया की सबसे बड़ी गाड़ी चलाई, और इंडिया की सबसे बड़ी गाड़ी, एक्चुअली नहीं, इंडिया की इससे भी बड़ी गाड़ी है, हमने भारत बेंज के प्लांट को विजिट किया और इससे भी बड़ी गाड़ियाँ हैं। पर आज मुझे लगा कि मैं यहाँ से वहाँ तक चला पाऊँगी क्या, मैं भूल तो नहीं गई। तो डर हमेशा रहता है, इट्स हाउ यू कॉन्कर योर फियर। हम ट्रक ड्राइवर्स को एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं। इनफैक्ट जो काम वो करते हैं, जिस डेडलाइंस को वो मीट करते हैं, जिस तरीके से कभी कभी नींद के बगैर, सोए बगैर वो ट्रक चलाते हैं, लोगों को एसेंशियल सप्लाइज डिलीवर करते हैं, आई हैव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ट्रक ड्राइवर्स आफ्टर दिस शो। एंड यू नो, मैं ये ज़रूर कहूँगी, जब मैं ट्रक चला रही थी तो सबसे ज़्यादा जो लोग थे जिन्होंने मुझे तंग किया वो गाड़ी चलाने वाले थे। इतना हॉन्क करते हैं, इतना ट्रबल करते हैं, छोटी गाड़ी वाले। अब जब मैं किसी ट्रक के पीछे फंसी होंगी, आई एम जस्ट गोना गिव दैट ट्रक इनफ अमाउंट ऑफ टाइम फॉर मी टू यू नो गेट वे टू क्रॉस। मैं उन्हें तंग नहीं करूँगी, दैट्स फॉर श्योर। I would like to add on to this was that अभी in fact जब मैं भी पहले ट्रक जब मैंने नहीं चलाया था, तो हम भी जब गाड़ियाँ चलाते हैं या बाइक टू व्हीलर चलाते हैं या कुछ भी व्हीकल चलाते हैं, तो हमको एक साइकोलॉजिकली चीज़ लगती है, ट्रक या बस इतनी बड़ी चीज़ है तो रुक ही जाएगी, तो हम कट मार के निकल जाते हैं, या फिर हमको लगता है कि इतनी बड़ी चीज़ है तो ऑटोमेटिकली उसका फ़र्ज है रुकना। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आई थिंक जितना वो इतना वेट के साथ पूरा मनूवर करना होता है, और रोड जितने नैरो थे एब्सोल्युटली। एंड ऑल्सो अभी आई थिंक इससे पहले मुझसे ना किसी बंदे ने सवाल पूछा था कि आपको क्या लगता है कि जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं हाईवेज पे, हम देखते हैं इतना रैश चलाते हैं या फिर इतना तेज चलाते रहते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आफ्टर ड्राइविंग अ ट्रक फॉर सो लॉन्ग, एक ट्रक को मनूवर करने के लिए, उसको स्लो करने के लिए, उसको कट मारने के लिए आपको 5 डिफरेंट मिरर्स में देखना पड़ता है, सारी जजमेंट लेनी पड़ती है। आपके पीछे 8-9 हज़ार किलो का सामान है, 8 टन 9 टन का सामान है, एकदम से सडन ब्रेक मारोगे वो सामान एकदम से आगे आ जाएगा। तो हमेशा जब भी कोई भी इंसिडेंट्स होते हैं वो गॉड फॉरबिड, वो उसमें अब मुझे समझ आया कि ट्रक वालों की हमेशा गलती नहीं होती, उनके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, तो इसीलिए हर ट्रक ड्राइवर आई थिंक रैश नहीं चलाता, वो कई बार सिचुएशनल भी चीज़ें होती हैं। सो या, बट ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑल द ट्रक ड्राइवर्स एंड फॉर ऑल द पीपल who take the load from one place to the other, and especially on this terrain because it's really a very tough terrain to be on.
और सेकंड थिंग देखो उनकी 6-7 हज़ार सैलरी होती है, ऊपर से पुलिस वाले उन्हें परेशान करते हैं, हम उनके लिए गाली देते हैं जो गाड़ी वालों को गाली देता है, इसके बावजूद अपनी फैमिली को छोड़ के हर वक्त उनको रोजी रोटी कमाने के लिए वहाँ पर रहते हैं, तो वाकई उनकी ज़िंदगी बहुत टफ है। और अगर एक दिन वो स्ट्राइक कर देना तो इंडिया रुक जाएगा, कंट्री रुक जाएगा, फ्रूट नहीं पहुँच पाएगा, वेजिटेबल नहीं पहुँच पाएगा, कितना क्या कुछ होगा। तो सच में जैसे आर्मी वाले वहाँ पे फाइट कर रहे हैं हीरोज़ हैं, तो ये भी एक्चुअली हीरोज़ हैं जो हमें हर रोज़ रोज़मर्रा का सामान पहुँचाते हैं और हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो प्लीज़ यार इनकी रिस्पेक्ट करो जितने ट्रक ड्राइवर हैं। साथ में वो इतने परेशान करते थे, अरे ये पैर दबा दिया, रुक जाओ वो टर्न ले लिया, मैंने कहा चुपचाप बैठा रहे बहुत हो गया, वरना मैं तो जाऊँगा साथ में तू भी जाएगा, तो मतलब काफ़ी मुश्किल था। फ्रस्ट्रेशन तो होता है, सो आई मीन कभी कभी गुस्से में मुँह से पता नहीं गाली निकली या क्या निकली, पर कुछ तो निकला, आई डोंट नो, फ्रस्ट्रेशन में होता है, सो इट्स फाइन। और गाली मैंने भी बहुत खाई, इनफैक्ट जब मैं ट्रक चलाती थी और अगर किसी ने कुछ समय के बाद मुझे ओवरटेक किया तो ऐसे खुन्नस से मुझे देखते थे, इनफैक्ट मैं कभी नहीं भूलूंगी पैंगोंग से लेकर जब हम ले वापस आ रहे थे, इतने लोगों ने मुझे गाली दी उस वक्त कि अब मेरा वो जो चमड़ा है ना बहुत मोटा हो गया, आई कैन टेक इट, आई एम वेरी थिक स्किन नाउ, आई कैन टोटली टेक एनीथिंग। थैंक यू। तो गाड़ी डर वाकई विकास से बहुत कम हुआ है, पहले बहुत डरते थे, अब तो छोटी मोटी रोड लगती नहीं कुछ है या नहीं है, तो ऐसे ही जाते हैं। छोटी गाड़ी लगता नहीं कुछ चला रहे हैं, जब से ट्रक चला गया है ना तो कुछ लगता नहीं है, सामने हमने वैसे कट मारते कि पता नहीं, मतलब 2 घंटे रास्ता 1 घंटे में तय करते, तो वाकई काफी डर कम हुआ है। थैंक यू। कर रखा है यार, काम देखिए सर, 3 ऑफ मैम। यस, थैंक यू। 1 मिनट के बारे में क्या कर रहा है? IRT आइस रोड ट्रकर, डेडलिस्ट। वाकई बहुत मुश्किल शो है यार, के मतलब ना कि नॉर्मल जाना, ऐसे रास्तों पे जहाँ पैदल नहीं चल सकते वहाँ पे ट्रक चलाना। वहाँ जाके देखा कि मतलब कभी 15,000 फीट पे, कभी 16,000 फीट पे, कभी 17,000 फीट पे, और सांस आ नहीं रहा, मतलब पसीना सूखा नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि इससे टफ और इससे मुश्किल शुरुआत मैंने किया नहीं, बस रेसलिंग कर लो, चलो उसमें जान तो नहीं जा सकती ना आपकी, बिल्कुल कम से कम हार जाओगे जीत जाओगे। बिल्कुल सर, इसमें तो हर रोज हम ये करते थे बात की आज पहुँच जाएंगे या नहीं पहुँचेंगे, बहुत मुश्किल। वंडरफुल वंडरफुल। तो बातचीत तो हम अंदर करेंगे। Can we have all three of you for the photo op? Yes, sir. Yes. Sir, come closer. I'd also like to introduce handsome, suave and dapper Varun Sharma. Yes, sir, look here, please. Sir, look here. Yours presenting our 3 superstars. Yes, sir, look here, please. Right. Of history, the deadliest. Sir, center. Yeah. India's deadliest roads. I request the 3 of you to please proceed towards the set. Thank you so much. Request members of the press to please make way, as we'll have some candid questions and interviews with our 3 superstars. Handsome and dapper. And of course, we've got India's finest wrestlers and of course, a very, very renowned television face, Sangram Singh. So all right, as you know, they have taken up Mission Impossible, 1500 kilometers, more than 2 weeks of driving a truck. Wow. And of course, at temperatures at 0 degrees and minus. Firstly, let me start off with the beautiful Mandira Bedi. I want to ask you a question, Mandira. You've been absolutely killing it on social media, whether it's diving into, you know, the Indian Ocean or the ocean at your Maldives trip. Actually, मैं एक मॉम हूँ और इसीलिए मैंने ये शो किया क्योंकि मेरा जो बेटा है वो 5 साल का है, उसे ट्रक्स बहुत पसंद है, हर किस्म के व्हीकल्स उसे पसंद है, एंड जब मैंने उन्हें बताया कि मामा बिन ऑफर्ड शो to drive a truck, वो बहुत खुश हुआ, इन फैक्ट सबको बोल बताने लगा, माई मॉम इज ड्राइविंग अ ट्रक, हाउ कूल इज दैट। तो शो मैंने उनके लिए किया, लेकिन जब मैं वहाँ पर थी, हर रोज़ जब हम अपनी जर्नी के लिए निकलते थे, मैं कहती थी हाँ मैंने ये शो मेरे बेटे के लिए किया, लेकिन मैं ज़िंदा भी रहना चाहती हूँ अपने बेटे के लिए। रियलिटी शोज़ तो बहुत होते हैं और रियलिटी शोज़ मैंने डेंजरस वाले भी किए हैं, जहाँ पे
मतलब खतरा है, कहते हैं खतरों के खिलाड़ी ऐसे कुछ कहते हैं उसे, बट वहाँ पे हमेशा एक हार्नेस रहता है, वहाँ पे हमेशा एक एक आप अपने आप को थोड़ा बहुत हार्म कर सकते हैं, मतलब आप ब्रूज हो जा सकते हैं, थोड़ी बहुत चोट लग सकती है, पर उसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन इंडियाज़ डेडलीस्ट रोड्स पे कुछ भी हो सकता था, यू आर नॉट, यू डू नॉट हैव एनी सेफ्टी, क्योंकि आप बहुत नैरो रोड्स पे हैं, आप एक ट्रक चला रहे हैं, आगे वाला जैसे चला रहा है यू हैव नो कंट्रोल ओवर दैट, आपकी गाड़ी को कुछ हो सकता है, रोड्स जैसे कि मैंने कहा बहुत नैरो थे, सो इट वाज प्रॉब्ली द मोस्ट डेंजरस थिंग आई हैव एवर डन इन माय लाइफ। और मैं क्या कहूँ, हर रोज़ मैं प्रार्थना करती थी कि मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ, और हर शाम को मैं भगवान से थैंक यू कहती थी कि आपने मेरी जान बचाई, मैं ज़िंदा हूँ, थैंक यू वेरी मच। और ये रूटीन चलता गया फॉर आई एंटायर टू वीक्स ऑन द रोड, बट इट वाज द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आई हैव नेवर डन अ शो लाइक दिस, इट डिड चेंज माय लाइफ, आई मीन आई डोंट इवन नो वेयर टू बिगिन, व्हाट टू टेल यू, बट इट वाज एन एक्सपीरियंस लाइक नो अदर। ये I don't even know how it'll translate on television, but it was the scariest thing I've ever done, the most wonderful thing I've ever done, and the work on television I am most proud of. Wonderful, yeah. Taliyan ho jaye. I'd also like to invite the VP of Bharat Benz, Mr. Sauminder Singh, to please come and join us with a huge round of applause. And of course, the VP and head of marketing for History GB18, Ms. Sangeeta Iyer. Can you please have the two of you to please join us? Let's give them a huge round of applause, guys. Come on. Thanks, sir. How are you? ये इंटायर एक्सपीरियंस था आपका, और आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आया है इसके बाद? देखिए, जैसे मंदिरा जी ने बताया, अभी हम सब बात कर रहे थे कि टीवी पे ढेर सारे शो बनते हैं, जैसे मैंने नाचने गाने वाले शो किए हैं, काफ़ी और भी शो किए हैं, इवन सर्वाइवल जैसे काफ़ी शो किए हैं, मगर उस शो में आपकी जान नहीं जा सकती। आप रेसलिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, कम से कम आप हार जाओगे जीत जाओगे, मगर ये शो इतना टफ था, इतना मुश्किल था कि आप हर वक्त मौत के मुँह में हो, बस वो पीछे से आते क्रू वाले, हाँ हाँ शाबाश आप अच्छा कर रहे हो, वो गाड़ी एक साइड इधर से उधर हुई तो मतलब क्या अच्छा कर रहे हो बताओ। और इतनी गालियाँ मैंने जिंदगी में नहीं सुनी थी जितनी गालियाँ इस रोड पे सुन ली मैंने, क्योंकि हर पीछे वाला गाली देता, क्योंकि साइड देते नहीं थे, क्योंकि इतना पतला रोड, उसको साइड देंगे तो हमारी गाड़ी चली जाएगी कहीं पे। तो मतलब ये वाकई बहुत टफ था, खाली टफ ये कि खाली ड्राइव करना टफ नहीं था उस रोड पे, उस रोड पे हम पैदल नहीं चल सकते क्योंकि इतनी ऊंचाई। एक कहते हैं कि जिंदगी में अपने आप को पुश करो, अच्छी बात है, आगे जाओ, मगर ये नहीं पता था कि आइस रोड ट्रकर इतना मुश्किल है। ऐसे ही मजाक में फंस गए कि मनाली से लद्दाख जाएंगे, हरी भरी वादियाँ देखेंगे, घाटी देखेंगे, और क्या नज़ारा होगा, क्या कुछ होगा। कसम से कमर का पसीना सूखा नहीं मतलब जो नज़र है ना वो सिर्फ रोड पे रहती थी, इधर उधर जाती नहीं थी, क्योंकि यार पता नहीं आज पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो इससे मुश्किल शो मैंने अभी तक नहीं किया। एक तो आप वेदर से फाइट कर रहे हो, ऊपर से आप एक ट्रक चला रहे हो, ट्रक में भी 6,000 किलो, जैसे उस places to get to at certain tower.
you this. Through this journey, I'm not told you anything about the journey itself, but through this journey, when I was driving a truck, it was the passenger vehicle, you actually, and sometimes the roads are so narrow, where the hell do I give you right to be? It was very adventurous, to be very honest. Not an easy to drive a truck. It's not easy to drive actually a bike. बाकी शॉप में आप खाओ पियो बैठो आराम से थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा कर लो फालतूगिरी कर लो इसमें आप हर वक्त मौत के मुंह में थे और सच बता रहा हूँ स्टार्टिंग में पता इनका कि आइस रोड ट्रक रह गया क्योंकि मैंने देखा नहीं था मैंने सोचा आराम से मनाली से अभी लद्दाख घूम के आएंगे आराम से वो करेंगे।